कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल फर्नीचर लोन में। तो आज हमने एक शुरेक रेडी की है, इसका साइज़ है 6x3। उसके बारे में वीडियो में आगे चलकर आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि इन लोगों की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन अब तक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारी शुरेक बन चुकी है, इसका साइज जो है वो 6x3 है, 6 ऐसे और 3 ऐसे। और ये साइड में हमने बनाया है एक स्टॉपर, इसमें हमने सिलेंडर हाइड किया हुआ है। ये बक्सा ऐसे ही रखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए इसका अंदर का दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने 8-8 इंची का हमारी ये जो स्पेस है, इसमें हमारे 3 जोड़ी चप्पल आ जाएंगे, जूते आ जाएंगे। और इसमें हमने 4 शेल्फ दिए हैं। इसको बंद कर देते हैं। और ऐसे ही इसमें किया है हमने, इसमें भी हमने सेम यही किया है। बस इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने 4 फोल्डिंग शेल्फ रखे हैं। ये जो हमारे फोल्डिंग शेल्फ हैं, ये अगर हमें कुछ बड़ा आइटम रखना हो तो ये हमारे अपना निकल जाएंगे, इसको निकाल सकते हैं हम। ये भी हमारा फोल्डिंग है और ये भी हमारा फोल्डिंग है। इनको अगर हम कभी निकालना चाहें, बड़ा आइटम रखना चाहें, तो ये निकल जाएंगे। और ऐसे ही सेम चीज हमने इधर की है, ये आप देख सकते हैं। ये खोल देता हूँ, इसमें हमने अंदर माइका नहीं लगाई है क्योंकि इसमें प्राइमर होगा। इसमें आपको तीनों खाने खोल के दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, हमें इसमें कितना सारा स्पेस मिल गया, काफी सारा स्पेस मिल गया है। और ऊपर भी हमारा सामान आ सकता है। इसको बंद कर देते हैं। ये माइका देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत है। और अब मैं इसका आपको हाइडर दिखा देता हूँ, जो इसमें हमने सिलेंडर रखने का बनाया है। इसको हम यहाँ से करेंगे, इधर करेंगे। इसमें भी एक हैंडल लगेगा, ये आप देख सकते हैं इसमें सिलेंडर कितना कंफर्टेबल आ रहा है। ये हमारा इसकी हाइट जो है वो 29 इंची है और 28 इंची इसको हमने अंदर अंदर रखा है। इससे क्या होगा, इससे हम सिलेंडर काफी इजीली निकाल सकते हैं और इसके अंदर काफी इजीली रख सकते हैं। ये देखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। और हल्का सा अंदर करा, ये जा चुका है। और हमने इधर माइका लगाई है इसके, इसको भी दिखा देता हूँ। और इसको हम रख देते हैं अपने लहंगे पे। ये हमारा हो गया हाइट।